एशिया में शक्ति संसाधन, वर्तमान में पृथ्वी पर हमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में मिलती है, जिनमें कहीं खनिज संसाधन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस से तो कहीं भौतिक क्रियाओं ज्वार भाटा, पवन, सौर ऊर्जा आदि से मिलती है। इसे मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी ज्ञान द्वारा विभिन्न रूपों में विकसित कर उत्पादित करता है। एशिया में पेट्रोलियम के संचित भंडार व उत्पादन। दक्षिणी पश्चिमी एशिया विश्व के कुल संचित भंडार का 67% तेल दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जमा है। यह अनुकूल भूगर्भिक परिस्थितियाँ, सस्ते श्रमिक, परिवहन के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ, विदेशों से प्राप्त अधिकतम पूंजी, एक या दो कंपनियों को उत्पादन में एकाधिकार आदि दशाएं पाई जाती हैं। इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, आबूधानी, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर आदि देश यहाँ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है तथा यहाँ सबसे अधिक तेल के भंडार हैं। सऊदी अरब में प्रथम तेल कूप दहरान में खोदा गया। इसके प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं: दम्माम, दरहान, घावर, काथिब, अबाकिक, आइनेदार आदि। इनसे तेल पाइपलाइन द्वारा फारस की खाड़ी तट पर स्थित रास तनूरा शोधनशाला को पहुंचाया जाता है। यहां से शोधित तेल पश्चिम में भूमध्य सागर तट पर स्थित बंदरगाह सीदोन को भेजा जाता है, जहां इसे निर्यात कर लिया जाता है। ईरान विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यह विश्व का 5.3% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। विश्व के कुल भंडार का 8% यहाँ जमा है। ईरान में सर्वप्रथम सन 1908 में मस्जिद सुलेमान क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। यहाँ अन्य उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है: मस्जिद सुलेमान, इफ्त केल, नफ्त सफ़ेद, करम साह, गत्सरन, आगाजारी, लाली। अबादान में पेट्रोलियम शोधन का कार्य होता है। कुवैत एक छोटा सा मरु परिस्थिति वाला देश है, जो कि फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यह विश्व के कुल संचित भंडार का 13.8% है। यहाँ बुरधान पहाड़ी क्षेत्र सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। सर्वप्रथम 1946 में तेल का उत्पादन यहाँ से प्रारंभ हुआ था। इराक मध्य पूर्व का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश इराक है। यहाँ विश्व का लगभग 4% जमाव है। इराक में अधिकांश तेल उत्तरी भाग में बागा गागूर में स्थित है। किरकुक व मौसूल दक्षिणी भाग में जुबेर क्षेत्र से प्राप्त होता है। किरकुक से प्राप्त नफ्त खाना बुतमहा जुबेर के समीप इस्माइला क्षेत्र में पेट्रोलियम का दोहन होता है। निर्यात के लिए लीबिया के त्रिपोली तथा सीरिया के बेनिया सागरी पतनों को भेजा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व का चौथा प्रमुख तेल उत्पादक देश है। आबूधानी, दुबई, शारजहाँ यहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों में टर्की के रमन, बर्जन, सीरिया में भी पेट्रोल निकाला जाता है। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। हाँ जी, एशिया में शक्ति संसाधन, वर्तमान में पृथ्वी पर हमें ऊर्जा विभिन्न रूपों में मिलती है, जिनमें कहीं खनिज संसाधन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस से तो कहीं भौतिक क्रियाओं ज्वार भाटा, पवन, सौर ऊर्जा आदि से मिलती है। इसे मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी ज्ञान द्वारा विभिन्न रूपों में विकसित कर उत्पादित करता है।
एशिया में पेट्रोलियम के संचित भंडार व उत्पादन। दक्षिणी पश्चिमी एशिया विश्व के कुल संचित भंडार का 67% तेल दक्षिणी पश्चिमी एशिया में जमा है। यह अनुकूल भूगर्भिक परिस्थितियाँ, सस्ते श्रमिक, परिवहन के लिए पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ, विदेशों से प्राप्त अधिकतम पूंजी, एक या दो कंपनियों को उत्पादन में एकाधिकार आदि दशाएं पाई जाती हैं। इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, आबूधानी, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर आदि देश यहाँ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है तथा यहाँ सबसे अधिक तेल के भंडार हैं। सऊदी अरब में प्रथम तेल कूप दहरान में खोदा गया। इसके प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं: दम्माम, दरहान, घावर, काथिब, अबाकिक, आइनेदार आदि। इनसे तेल पाइपलाइन द्वारा फारस की खाड़ी तट पर स्थित रास तनूरा शोधनशाला को पहुंचाया जाता है। यहां से शोधित तेल पश्चिम में भूमध्य सागर तट पर स्थित बंदरगाह सीदोन को भेजा जाता है, जहां इसे निर्यात कर लिया जाता है। ईरान विश्व का चौथा तथा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यह विश्व का 5.3% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। विश्व के कुल भंडार का 8% यहाँ जमा है। ईरान में सर्वप्रथम सन 1908 में मस्जिद सुलेमान क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। यहाँ अन्य उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है: मस्जिद सुलेमान, इफ्तकेल, नफ्त सफ़ेद, करम साह, गत्सरन, अगाजरी, लाली। अबादान में पेट्रोलियम शोधन का कार्य होता है। कुवैत एक छोटा सा मरु परिस्थिति वाला देश है, जो कि फारस की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। यह विश्व के कुल संचित भंडार का 13.8% है। यहाँ बुरधान पहाड़ी क्षेत्र सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। सर्वप्रथम 1946 में तेल का उत्पादन यहाँ से प्रारंभ हुआ था। इराक मध्य पूर्व का तीसरा बड़ा तेल उत्पादक देश इराक है। यहाँ विश्व का लगभग 4% जमाव है। इराक में अधिकांश तेल उत्तरी भाग में बागा गागूर में स्थित है। किरकुक व मौसूल दक्षिणी भाग में जुबेर क्षेत्र से प्राप्त होता है। किरकुक से प्राप्त नफ्त खाना बुतमहा जुबेर के समीप इस्माइला क्षेत्र में पेट्रोलियम का दोहन होता है। निर्यात के लिए लीबिया के त्रिपोली तथा सीरिया के बेनियास सागरी पतनों को भेजा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व का चौथा प्रमुख तेल उत्पादक देश है। आबूधानी, दुबई, शारजहा यहाँ के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों में टर्की के रमन, बर्जन, सीरिया में भी पेट्रोल निकाला जाता है। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। हाँ जी, दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया प्रमुख तेल उत्पादक देश है। इसमें विश्व के कुल जमाव का 2% है। इंडोनेशिया सुमात्रा में स्थित पोलेमबांग, जाम्बल, उत्तरी मैदान क्षेत्र, बोर्निया के बालिकपामन, ताराकान, जावा के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। काबेन गाक हेलो इसके अलावा सेरामोदी, बोर्निया के बुने क्षेत्र का सेरियामिरी क्षेत्र भी अल्प मात्रा में तेल उत्पादन करते हैं। म्यांमार के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र यंगून, उत्तर पश्चिम में स्थित चौक, येनान, डंग क्षेत्र हैं।
भारत, भारत खंबात तेल क्षेत्र की खोज 1958 में हुई, 1960 में अंकलेश्वर, 1960 के बाद बॉम्बे हाई, 1962 में संचित भंडारों का पता लगाने के कार्य अत्यधिक तीव्र गति से प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम अपतट बेधन गुजरात के अलियाबेट नामक स्थान पर शुरू किया गया। इसके बाद 1972 में मुंबई में तेल खोजा गया और 1976 में यह उत्पादन। असम में डिगबोई, नहरकटिया, माकुम, पथरिया, बदरपुर, मोरान, रुद्रसागर, गालेकी, उगरीजन, लकवा। गुजरात में अंकलेश्वर, कल्लोल, नवागांव, कोसंबा, कठना, बरकोल, महसाना, सनद, लुजोन आदि। पंजाब में होशियारपुर व ज्वालामुखी क्षेत्र, उत्तर में हिमालय के दक्षिण में से तराई क्षेत्र आदि हैं। राजस्थान में सन 2002 में बाड़मेर के कासलू साडा झुंड में 1400 मीटर की गहराई से तेल भंडार मिला है। तीसरा है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में केवल चीन ही प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 4.6% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। चीन के उत्पादन का अधिकतम भाग उत्तर पश्चिमी भाग में रूसी सीमांत के पास स्थित कारामाई क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में सैदाम बेसिन, सिक्यांग, सेंसी, जैचवान, हांग्यो नदी के आसपास का क्षेत्र है। मध्य एशिया। मध्य एशिया में पेट्रोल के भंडार कैस्पियन सागर के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ ये पूर्व में सोवियत संघ के भाग थे, लेकिन वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान में स्थित है। कैस्पियन सागर के पूर्व में एम्बा कजाकिस्तान का, मोगली सलाक तथा दक्षिण पश्चिम में स्थित बाई अजरबैजान के तेल उत्पादक क्षेत्र है। दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया प्रमुख तेल उत्पादक देश है। इसमें विश्व के कुल जमाव का 2% है। इंडोनेशिया सुमात्रा में स्थित पोलेमबांग, जाम्बल, उत्तरी मैदान क्षेत्र, बोर्निया के बालिकपामन, ताराकान, जावा के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। काबेन गाक। हेलो। इसके अलावा सेरामोदी बोर्निया के बुने क्षेत्र का, सेरियामीरी क्षेत्र भी अल्प मात्रा में तेल उत्पादन करता है। म्यांमार के प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र यंगून, उत्तर पश्चिम में स्थित चौक, येनान, डंग क्षेत्र है। भारत। भारत खंबात तेल क्षेत्र की खोज 1958 में हुई, 1960 में अंकलेश्वर, 1960 के बाद बॉम्बे हाई, 1962 में संचित भंडारों का पता लगाने के कार्य अत्यधिक तीव्र गति से प्रारंभ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम अपतट बेधन गुजरात के अलियाबेट नामक स्थान पर शुरू किया गया। इसके बाद 1972 में मुंबई में तेल खोजा गया और 1976 में यह उत्पादन। असम में डिगबोई, नहरकटिया, माकुम, पथरिया, बदरपुर, मोरान, रुद्रसागर, गालेकी, उगरीजन, लकवा। गुजरात में अंकलेश्वर, कल्लोल, नवागांव, कोसंबा, कठना, बरकोल, महसाना, सनद, लुजोन आदि। पंजाब में होशियारपुर व ज्वालामुखी क्षेत्र, उत्तर में हिमालय के दक्षिण में से तराई क्षेत्र आदि हैं। राजस्थान में सन 2002 में बाड़मेर के कासलू साडा झुंड में 1400 मीटर की गहराई से तेल भंडार मिला है। तीसरा है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में केवल चीन ही प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 4.6% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। चीन के उत्पादन का अधिकतम भाग उत्तर पश्चिमी भाग में रूसी सीमांत के पास स्थित कारामाई क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में सैदाम बेसिन, सिक्यांग,
सेंसी जैचवान हांग्यो नदी के आसपास का क्षेत्र है। मध्य एशिया, मध्य एशिया में पेट्रोल के भंडार कैस्पियन सागर के पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में स्थित हैं। यहाँ ये पूर्व में पूर्व सोवियत संघ के भाग थे, लेकिन वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान में स्थित है। कैस्पियन सागर के पूर्व में एम्बा कजाकिस्तान का, मोगली सलाक तथा दक्षिण पश्चिम में स्थित बाई अजरबैजान के तेल उत्पादक क्षेत्र है।